राज्य सरकार सब जगह फेल दिख रहे हैं। मराठा आरक्षण के बारे में भी सरकार का फेल्यूर है, मराठा समाज का आरक्षण नहीं दे पाई। सब आरक्षण ओबीसी का जाने के लिए यह सरकार जिम्मेदार है। ये सब अपना फेल्यूर झाकने के लिए ये महाविकास आघाड़ी सरकार कर रही है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज महाराष्ट्र में भाजपा ने आरक्षण की मांग को लेकर चक्का जाम किया है। ओबीसी के लिए आरक्षण बहाल की मांग करते हुए शनिवार को महाराष्ट्र में करीब 1000 जगहों पर बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है। ठाणे में भी बीजेपी नेता निरंजन डावखरे, विपक्षी नेता परवीन दरेकर ने चक्का जाम किया। ओबीसी आरक्षण की मांग करते हुए ठाणे में चक्का जाम से ठाणे से मुंबई की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बाधित रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस का बंदोबस्त भी लगाया गया था। राज्य सरकार सब जगह फेल दिख रहे हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर जगह आंदोलन की मोड में आई है। मराठा आरक्षण के बारे में भी सरकार का फेल्यूर है, मराठा समाज का आरक्षण नहीं दे पाई। और जो ओबीसी समाज है, जो कष्टकारी काम करने वाला समाज है, आज उनका जो राजकीय आरक्षण मिला था, जो देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री होते टाइम उनको बचाया था, ऑर्डिनेंस निकाला था, कानूनन बचाया था, लेकिन यह सरकार को चार चार बार कोर्ट ने अलर्ट दिया था कि इधर आयोग गठित करके यह आरक्षण का फैसला करो, लेकिन यह सरकार ने यह बात गंभीर्य से ली नहीं और इसके लिए आरक्षण गया। यह सब आरक्षण ओबीसी का जाने के लिए यह सरकार जिम्मेदार है। केंद्र के ऊपर उंगली दगल दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। केंद्र के पास इस आरक्षण के बारे में कोई संबंध नहीं। डाटा दे दो, इंपेरिकल ओबीसी का डाटा दे दो। ये सब अपना फेल्यूर झाकने के लिए ये महाविकास आघाड़ी सरकार कर रही है। इनको आरक्षण देना है, देना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इसी से और उग्र आंदोलन करेगी। ये तो आज शुरुआत है।